वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं प्रमोद और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल क्लासेस। तो आज इस वीडियो में आप बात करने वाले हैं व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में। तो व्हीट स्टोन ब्रिज बेसिकली यूज होता है अपना रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, और ये मीडियम टाइप रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज होता है, मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। तो इसमें सबसे पहले आप क्या कर लेते हैं, एक ब्रिज बना लेते हैं। एक ब्रिज के अपने पॉइंट दे दिए हैं ए बी सी डी, ये चार पॉइंट है, इनके बीच में आप चार रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। ए से बी पॉइंट के बीच में मैं रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दे रहा हूँ, जिसको नाम मैं देता हूँ पी। बी से सी के बीच में आप एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, जिसको नाम दे देते हैं आप क्यू। वो ए और डी के बीच में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं, जिसको नाम देते हैं आर। वो डी और सी के बीच में आप एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, जिसको नाम देते हैं एस। एस को मैं यहाँ पर वेरिएबल लेके चलता हूँ। अपने पास क्या होता है, इसमें दो की रेजिस्टेंस अपने को, रेजिस्टेंस की वैल्यू अपने को पता होती है, जिसको अपन नॉन रेजिस्टेंस बोलते हैं। नॉन वैल्यू अपने को पी और क्यू, यहाँ पे आप मान के चल रहे हैं इन दोनों की वैल्यू अपने को नॉन है, ठीक है। ये अपना वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसके थ्रू आप आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आर अपना यहाँ पे क्या है, अननोन है। तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपने क्या किया, ए और डी पॉइंट को कनेक्ट कर दिया है एक वोल्टेज सोर्स से, और बी और डी के बीच में मैंने लगा दिया है एक डिटेक्टर, जो कि अपने को यहाँ पर बताएगा रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी। जिस केस में अपना ब्रिज बैलेंस हो जाएगा, उस केस में यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। वो कैसे होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से मान लीजिए आपने वोल्टेज सोर्स लगाया, इसमें कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा। मान लीजिए आप यहाँ से मानते हैं आई करंट अपना फ्लो कर रहा है, वो आई करंट यहाँ से जाता जाता क्या करेगा, अब दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक तो यहाँ से निकल जाएगा आई वन करंट है जो, और एक यहाँ से, क्योंकि करंट डिवाइड हो गया, इसको दो पाथ यहाँ से मिल गए हैं। तो I1 करंट उस पाथ में चला जाता है, I2 करंट है A से D वाले इस पाथ में चला आता है। जिस टाइम पे क्या है, ये ब्रिज बैलेंस नहीं होगा, कुछ ना कुछ करंट इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास करेगा, और यहाँ पे क्या होगा, कुछ वैल्यू शो करेगा। इस रेजिस्टेंस को आप ये भी मान सकते हैं, इसको लोड मान सकते हैं। लाइक आप मान लीजिए P, Q, R और S है, अपने बल्ब लगा रखे हैं, बल्ब है, अलग अलग वैल्यू के बल्ब है, ठीक है। जब अगर ये बैलेंस नहीं होगा, उस केस में क्या होगा, गैल्वेनोमीटर की जगह मान लीजिए आप एक लोड, एक बल्ब है, तो वो क्या होगा, ग्लो करेगा उस केस में। लेकिन जब अपना ब्रिज बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस कैसे होगा, ये एस है जो यहाँ पे आपने वेरिएबल लिया है, इसकी वैल्यू आप रेजिस्टेंस की कम या ज़्यादा करके इस ब्रिज को बैलेंस करेंगे। जिस कंडीशन में ब्रिज बैलेंस हो जाएगा, अगर यहाँ पर बल्ब लिए होते आपने मेन्स टू से, उस केस में यहाँ पर जब करंट फ्लो होना बंद हो जाता, आई जी अपना जीरो हो जाएगा मेन्स टू से, ये ग्लो नहीं करेगा। ये जब, या मान लीजिए यहाँ गैल्वेनोमीटर है, तो उसकी वैल्यू जीरो शो होगी, मीन्स जो सारा आई वन करंट है वो यहाँ से पी और क्यू से होता हुआ पास होके यहाँ आ जाएगा, प्लस में जो आई टू करंट है आर और एस से पास होता हुआ इधर आके वापस आई करंट बना देगा, उस केस में अपना ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। तो उसकी वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको पता है ब्रिज बैलेंस करने के लिए अपने पास इक्वेशन होती है एट बैलेंस पे। बैलेंस कंडीशन अपनी होती है, उस केस में आप देखिए अपना क्या होता है, P इंटू एस इक्वल टू में R इंटू क्यू, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे बेसिकली वैल्यू निकाल के चलनी है R की, क्योंकि R अपना अननोन है। R की वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी, P इंटू एस डिवाइड बाई क्यू कर देंगे, ठीक है। या अपन इसकी सिंपल वैल्यू निकालेंगे, जब इसका क्या होता है, ये दोनों नॉन वैल्यू है, इनका रेजिस्टेंस का रेशियो इन दोनों के रेजिस्टेंस की रेशियो के इक्वल हो जाएगा, तब क्या होगा, पूरा पूरा करंट इधर से पास होता हुआ इसके अंदर आ जाएगा, यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, तो अपना ब्रिज क्या है उस केस में बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको अपन सोल्व करने के लिए अपने को यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है थेवेनिन्स थ्योरम की। तो ठीक है, अपन यहाँ पर थेवेनिन्स थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई थेवेनिन्स थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम में आप क्या निकालते हैं, आप देखेंगे सबसे पहले वी टी एच, वोल्टेज सोर्स अपना क्या है, यहाँ पे वी डी माइनस ऑफ वी बी, वी डी अपना देखिए रेजिस्टेंस कहाँ से जा रहा है, गैल्वेनोमीटर पे, एक तो डी से जाएगा, ठीक है। इसमें आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, मैंने अगर अपन यहाँ से लिया आप वी बी ले लेते हैं, अगर यहाँ से अपना करंट पास हो रहा था तो आप इसको ले सकते थे, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, आप इसको मत अज्यूम कीजिए, कोई बात नहीं, करंट कहीं से आप इधर से भी कर सकते हो, यहाँ पे आप वी डी, वी बी माइनस वी डी ले सकते थे, अगर उधर से करंट आ रहा है, अगर मैं इधर से पास कर रहा हूँ तो इसमें आप मान लीजिए वी डी माइनस वी बी, ठीक है। ये होता है अपना वी टी एच, तो इसको आप थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, खोल देंगे तो क्या आ जाएगा अपना वी इंटू में क्यू
क्यू कहाँ पे है अपना, क्यू डिवाइड बाय इसके पास में अपना रेजिस्टेंस कौन कौन सा है, पी प्लस क्यू। इसके यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर के दोनों साइड जो रेजिस्टेंस लगे हैं उनका एडिशन आएगा पी प्लस क्यू, उसके बाद माइनस ऑफ, करंट माइनस हो रहा है तो यहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस लगा है इस साइड, ठीक है यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है अपना एस, तो एस डिवाइड बाय यहाँ पे रेजिस्टेंस कौन से हैं एस प्लस आर, तो यहाँ पे मैं एस प्लस आर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए इसको अपना शॉर्ट आउट सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने के बाद में अपनी वैल्यू क्या आ जाएगी, वी अपना कॉमन आ गया। सबसे पहले देखिए आप इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ गया पी प्लस क्यू इंटू में आर प्लस एस, ठीक है। ये रेजिस्टेंस आने के बाद में अपनी इक्वेशन क्या बन जाएगी, आर क्यू माइनस ऑफ पी एस, ठीक है। ये अपना आ गया सिंपली वी टी एच, तो अपन यहाँ से वी टी एच की वैल्यू तो निकाल ली है। अब थेवेनिन्स थ्योरम में अपने पास क्या बच गया, अपने पास आर टी एच की वैल्यू निकालना बच जाता है, तो आर टी एच अपना क्या होगा इस केस में, अपना इसमें करंट देखिए मैंने डी से बी की तरफ फ्लो करवाया, ठीक है। आप चाहे तो बी से डी भी ले सकते थे बट अज्यूम कर लिया कोई बात नहीं, तो रेजिस्टेंस ऑफ डी टू बी, तो डी टू बी यहाँ पे ले लेते हैं, ये है अपना आर टी एच। तो आर टी एच का केस यहाँ पे क्या आएगा, अब इसको थोड़ा एक्सटेंड करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपना क्या है, पी और क्यू है, ठीक है, पी इंटू क्यू डिवाइड बाई पी प्लस क्यू लीजिए, उसके बाद प्लस ऑफ आर एस, आर इंटू एस डिवाइड बाई आर प्लस एस, ये सिंपली आप ले सकते हैं अपना आर टी एच। तो आप इस केस में देखेंगे अपने पास क्या आ गया, वी टी एच की वैल्यू आ गई और आर टी एच की आ गई। तो आप देखेंगे अपना करंट है जो गैल्वेनोमीटर से कितना फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसको आप लेके चलते हैं, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर को मैं यहाँ सिंपली जी से डिनोट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अपने पास सर्किट कैसा बन गया है, यहाँ पे एक बैटरी सोर्स लगा है, उसके बाद एक आर टी एच जो अपन निकाल लिया है, तो इसको अपन आर टी एच से डिनोट कर दे रहे हैं। उसके बाद अपना कोई भी करंट है आई जी करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है, तो मैं यहाँ पे आई जी से डिनोट कर दे रहा हूँ। उसके बाद में अपना क्या है, एक रेजिस्टेंस ले लेता हूँ मैं आर जी, जो कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसको आर जी लेके मैं यहाँ पे लाके इसको वापस इसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दे रहा हूँ। तो आर जी यहाँ पे क्या है, गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का, ठीक है। तो अपनी इक्वेशन क्या बन जाती है, आप देखें आई जी निकालेंगे अपना, आई जी क्या होता है, वी टी एच डिवाइड बाई आर टी एच प्लस ऑफ आर जी, आर जी अपना क्या था, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो ठीक है। अब इसी इक्वेशन को लिख दे रहे हैं, वी टी एच अपनी वी टी एच की वैल्यू क्या आई थी, यहाँ पे देखिए वी टी एच की अपनी जो वैल्यू है सेम आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, आर इंटू क्यू माइनस ऑफ पी एस डिवाइड बाई पी प्लस क्यू इंटू आर प्लस एस, इतना लिखने के बाद में उसके बाद अपना क्या आता है, यहाँ पे देखिए आर टी एच प्लस आर जी, तो यहाँ पे आप लिख दे रहे हैं आर टी एच प्लस ऑफ आर जी, तो ये सिंपल आ गया अपना आई जी, करंट कितना फ्लो हो रहा है अपना गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस आप सिंपली लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपना बेसिकली इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है वो देख लेते हैं, वाइट स्टोन ब्रिज की। इसके लिए आप एक तो यूज करते हैं अननोन रेजिस्टेंस को मेजरमेंट के लिए, अननोन रेजिस्टेंस मेजरमेंट, ठीक है। और ये बैलेंस कंडीशन पे क्या होता है, आपने देखा था एट बैलेंस पे जो आईजी होता है करंट अपना गैल्वेनोमीटर के पास में जब जा रहा है वो हमेशा अपना जीरो होता है, ठीक है। और ये हो गया अपना बेसिकली वाइट स्टोन ब्रिज। और दूसरी बात इसकी जो आती है वाइट स्टोन ब्रिज की, जो आप देखते हैं यहाँ पे तो आपने मेजरमेंट कर लिया है, किसके लिए यूज किया आप, अननोन रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। आप यहाँ पे देखेंगे मैंने यहाँ पे आपको बताया था ये मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज होता है। तो सबसे बड़ी बात आती है ये होता है जो लो रेजिस्टेंस के लिए क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि इसमें क्या होता है अपना लीड का रेजिस्टेंस है ना, लीड का जो रेजिस्टेंस होता है उसका इफेक्ट आ जाता है, इसलिए आप अब ये सूटेबल नहीं रहता लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, क्योंकि जितना रेजिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ इसकी लीड का रेजिस्टेंस भी उसमें ऐड हो जाता है, इसलिए सूटेबल नहीं रह पाता लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, ठीक है। और
उसको आपन रेजिस्टेंस को इलिमिनेट भी नहीं कर पाते इस ब्रिज के अंदर जो लीड्स का इफेक्ट होता है उसके रेजिस्टेंस को, इसलिए आपन इसको लो रेजिस्टेंस में यूज़ नहीं करते बेसिकली। तो यही था व्हाइट स्टोन ब्रिज। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।